क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल्स हर्मिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज द परमिट हैव। ठीक है, देखिए इनके पास जो भी मार्बल हैं उससे कंपेयर किया जा रहा है किसके, इरफान के मार्बल को। इसके पास जितने भी मार्बल है ना उससे 5 टाइम्स एंड 7 मोर देन। ठीक है, पहले आप 5 टाइम्स करना है फिर आपको 7 ऐड करना है, इतनी मार्बल इरफान के पास है तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको लेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। लेट परमिट्स मार्बल, ठीक है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको आपने एक्स मान लिया। अब देखिए इसको आपने एक्स मान लिया और इरफान के पास मार्बल कितनी है, इरफान हैज मार्बल्स कितनी है इनके पास, 37। ठीक है, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। इधर देखिए जरा आप, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट, तो परमिट के पास x है तो इसका 5 टाइम्स और इससे 7 मार्बल मोर, मोर मीन्स ज़्यादा मीन्स प्लस, तब जाके आपका ये 37 बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई, सॉरी इक्वेशन आपकी बन के आ गई, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो 5 और x क्या हो जाएगा, 5x ठीक है प्लस 7 इजकल टू 37। अब 7 आपका इधर पॉजिटिव का है, इधर आएगा तो आपका नेगेटिव का हो जाएगा, 37 माइनस 7। ठीक है, तो 5x इक्वल टू आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5x आपका 30 हो गया ना, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपको x रखना है और 5 आपको इस तरफ लेके आना है, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 5 6 30, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। ठीक है, तो पूछा क्या गया था आपसे, हाउ मेनी मार्बल डज द हर्मिट हैज, तो उसकी वैल्यू आपने x मानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका x आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, लक्ष्मी के फादर हैं वो 49 ईयर ओल्ड हैं। He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. अब देखिए लक्ष्मी की एज से कंपेयर किया जा रहा है कि लक्ष्मी की एज से 4 ईयर बड़े हैं और 3 टाइम्स भी हैं। What is लक्ष्मी's age? ठीक है, तो लक्ष्मी की एज क्या होगी, तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको मानते हैं। Let the लक्ष्मी's age, ठीक है, इक्वल टू y मान लीजिए। ठीक है, y, चलिए y ईयर मान लीजिए, y ईयर। अब चलिए आप इक्वेशन बनाइए, इससे पहले आप लोग लक्ष्मी के फादर की एज भी लिख दीजिए, लक्ष्मीज फादर, या यहाँ लिखिए एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर इक्वल टू 49 ईयर। ठीक है, अब इक्वेशन बनाइए, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी थी, तो लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, तो 3 इंटू वाई। ठीक है, इससे 4 ईयर ओल्डर, ओल्डर मीन्स उससे ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो ये आपका 49 ईयर्स आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y, ये 4 आपका पॉजिटिव का, इधर आपका नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45/3, तो ये आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया, और किसकी एज पूछी थी आपकी, लक्ष्मी की एज ही तो पूछी थी, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा चेक कर लीजिए इससे, 3 टाइम्स, तो देखिए 3 टाइम्स क्या होगा आपका, 15 इंटू 3 तो 45 होगा, इससे 4 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, 4 ईयर कर दीजिए, और तो देखिए 49 आपका निकल के आ रहा है, वही 49 आपका आ गया, ये देखिए मैच हो गया आपका। इस तरह से कुछ बच्चे यहाँ पर
माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस नहीं करना है आपको, पॉजिटिव ही करना है। चलिए ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। ठीक है, सुंदर ग्राम गाँव के लोग क्या करते हैं कि पौधे लगाते हैं गार्डन में। सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्री, कुछ पौधे जो थे वो फलों के हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और कुछ पौधे जो हैं वो बिना फल के हैं ट्रीज। वर टू मोर देन थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। अब देखिए किससे कंपेयर हो रहा है, फ्रूट ट्री से। आगे देखिए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री वर प्लांटेड 77। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप जो आपको वैल्यू दी गई है वो नॉन फ्रूट ट्री की वैल्यू आपको दी गई है, तो जिससे आपको कंपेयर किया गया उसको लेट करेंगे। लेट द फ्रूट ट्री, लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, फ्रूट ट्री, तो आपका क्या हो जाएगा ये एक्स वाई, इसको जेड मान लीजिए, चाहे ए में ए मान लीजिए, चलिए मैंने ए मान लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इससे कंपेयर किया गया, अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री इक्वल टू 77। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर टू मोर देन थ्री टाइम्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आपका ए है, इसका थ्री टाइम, उससे टू मोर देन, टू ज़्यादा है, तब आपका वैल्यू क्या है, ये 77 है। ठीक है, तो ए इंटू थ्री क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस टू इजकल टू 77। ठीक है, अब देखिए 3a, टू आपका इधर किसमें है, पॉजिटिव का इधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, निगेटिव का आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 75। तो ए इजकल टू 75 अपॉन 3 करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ए इजकल टू 25। ठीक है, और ए की वैल्यू आपने नंबर ऑफ फ्रूट ट्री आपने लेट की थी, और ए की वैल्यू आपकी 25 निकल के आ गई, और वही आपसे पूछा गया व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको ही लेट करते हैं। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।